अभी कुछ बातें आप ध्यानपूर्वक सुने। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद दो लोगों को सहज मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एक जो भगवत संबंधी मार्ग को स्वीकार करते हैं, वो सहज, चाहे वो ज्ञान मार्ग के द्वारा अथवा भक्ति मार्ग के द्वारा, सहज मुक्ति अथवा भगवत प्राप्ति उनको हो जाती है। अगर उस मार्ग पर वो ध्यान पूर्वक चलें और दृढ़ निश्चय ये हो कि हमें इसी मार्ग पर चलकर गोविंद की प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति करनी है, इस दृढ़ विश्वास के साथ जब जीव भक्ति पथ पर, ज्ञान पथ पर चलता है तो अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। दूसरा एक प्रश्न हमारे पास आया कि महाराज, उन सैनिकों का क्या होता है जो सीमा पर अपने देश के लिए लड़ते हैं? बहुत मार्मिक प्रश्न है, समझने योग्य प्रश्न है। उनका तो काम ही है देश की रक्षा करना, और जिनको देखा तक नहीं है उन्हें शत्रु के रूप में समझना और उन्हें गोली से मार देना। पहले धनुष बाण से, भाले से मारते थे, अब गोली से मारना। तो महाराज, अगर ऐसे युद्ध की सीमा में युद्ध करते हुए कोई सैनिक जब समाप्त होते हैं तो क्या उनकी भी मुक्ति होती है? निश्चित तौर पर, क्योंकि वो अपने भूमि के लिए, भारत माता के लिए, अपनी भारत माता की सुरक्षा के लिए, अपनी भारत माता को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध करते हैं, और युद्ध करते करते अनेकों अपने भारत माता के शत्रुओं को समाप्त करते हैं। और युद्ध में प्राण गंवाने वाले लोगों को भी परम गति की प्राप्ति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हें परम गति की प्राप्ति होती है। इसलिए वो माएं धन्य हैं जिन माओं की कोख से या तो भगवत भक्त पैदा होता है अथवा जो सूरवीर प्रकट होता है। सूरवीर उसे कहते हैं जो अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों को कुर्बान कर देते हैं। वो माएं धन्य हैं। कहते हैं ना, जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, नाहे तो वाते बांझ भल काए खोवे नूर। या तो भक्त कोख से जन्म ले या दाता कोई बहुत बड़ा दानी आपकी कोख से जन्म ले अथवा कोई ऐसा सूरवीर अभिमन्यु जैसा, अर्जुन जैसा, भीष्म जैसा और ऐसे तमाम योद्धा हैं, आज की श्रृंखला में अगर लें तो महाराणा प्रताप जैसा, सुभाष चंद्र बोस जैसा, ऐसे अनेक योद्धा हैं। देवियों में आ जाएं तो महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई ने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी खड़ग से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। चमक उठी सन 57 में वो तलवार, पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। भूल पाए हो क्या 2020 में सन 57 की बात को? भूल पाए हो क्या? आज भी वो बातें, जब वो ये गाना बजता है तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पता नहीं क्यों देशवासियों ने उन लोगों को उतनी जगह नहीं दी जिन्होंने देश के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। भगत सिंह का परिवार, सुखदेव का परिवार, चंद्रशेखर आजाद का परिवार, सुभाष चंद्र बोस का परिवार, महारानी लक्ष्मीबाई का परिवार, वो पांडे जी जिन्होंने वो क्रांति शुरू की, आजादी की लड़ाई, मंगल पांडे उनका परिवार, इस देश में उन लोगों को उचित स्थान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग शायद उन्हें, शायद हम ही उतने अच्छे नहीं है कि हम उनको उचित स्थान दे सके। महाराणा प्रताप का सर्वोच्च बलिदान देश के लिए, महलों में रहने वाले उस राजा को अगर उसे अपनी भूमि से, भारत भूमि से प्रेम नहीं होता, क्या आवश्यकता थी? महलों में रह रहे थे वो भी संधि कर लेते हैं, वो भी आनंद भोगते रहते, पर नहीं। महाराणा प्रताप अपनी भूमि को स्वतंत्र करने के लिए, आजाद करने के लिए, देखिए मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया है तो दो पर अगर अपने प्राण भी देने पड़े तो दे देना, एक तो देश की रक्षा के लिए और एक धर्म की रक्षा के लिए। जो देश और धर्म को नहीं बचा पाता है वो जीते जी मर जाता है, वो कभी जिंदा नहीं होता। ऐसी कौमों को कोई याद नहीं करता जो अपने देश और धर्म को ना बचा सके। अरे औरों की बात छोड़ी, देश में धर्म की बात छोड़ी, हमारे घर में धर्म बचा है क्या? हमें शर्म आती है अपने बच्चों को धर्म के विषय में बताते हुए, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता है। देश और धर्म पर अपना सर्वोत्तम श्रेष्ठ बलिदान हम सबको करना चाहिए। ऐसे ही मैं आज पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते महाराणा प्रताप की बात मेरे सामने आई, मैं पढ़ने लगा। मुगलों से लड़ते लड़ते एक दिन वो भी आया जब उनको जंगल में रहना पड़ा, घास की रोटी खाई, और वो ऊंचे ऊंचे वृक्ष उनको वही लगते थे यही मेरे अंग रक्षक हैं। ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच में रहते, पहाड़ों के बीच में रहते, घास की रोटी खाते, ये सब दुख सहने के बाद भी कभी ये नहीं रोए कि मैं दुखी हूं। उनके दुख के आंसू नहीं थे मेरा महल छूट गया, मेरे सुख छूट गए, उनके मन में ये संताप नहीं था। वो इसलिए संतप्त रहते थे, परेशान रहते थे कि कैसे अपनी भारत माता की सुरक्षा की जाए इन मुगलों से। उनके पास में धीरे धीरे सारा धन भी जाता रहा था, उनका धन समाप्त हो गया था। अब बिना धन के, क्योंकि सेना भी उतनी थी नहीं उनके पास में, अब योद्धाओं को एकत्रित करना है, योद्धाओं को एकत्रित करना है, उन्हें युद्ध के लिए तैयार करना है, और अगर युद्ध के लिए तैयार करना है तो इन सब की पूरी स्थिति को संभालने के लिए धन की आवश्यकता है। और महाराणा प्रताप के पास धीरे 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 धन का अभाव हो चला था। वो चिंता में मग्न रहते थे कैसे धन संग्रह किया जाए और कैसे योद्धाओं को एकत्रित किया जाए और कैसे इन मुगलों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जंगल में रह के यही प्लान करते रहते थे। एक दिन बहुत वयोवृद्ध उनके पूर्व मंत्री भामाशाह उपस्थित हुए और उन्होंने राणा को प्रणाम किया, कहा राणा साहब मैंने सुना आपके विषय में, मैंने सुना है आपकी योजना के विषय में,
आप चाहते हैं कि धन संग्रह करके योद्धाओं को एकत्रित किया जाए और योद्धाओं को एकत्रित करके मुगलों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इसके मुताबिक मैंने आपके संरक्षण में रहकर अथाह संपत्ति का संग्रह किया, मेरे पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है। चूंकि आपने अपने लिए नहीं सोचा है, आपने अपने लिए नहीं बल्कि देश के हित के लिए धन ले रहे हैं, इसीलिए प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने तन धन और मन से अपनी मातृभूमि पर कुर्बान हो जाए। क्योंकि मैंने आपसे ही सेवा, आपकी सेवा में रहते रहते बहुत धन संग्रह किया है, इसलिए आज मैं अपनी भारत माता की सुरक्षा के लिए ये सारी संपत्ति आपको सौंपता हूं। आप इस संपत्ति को स्वीकार करें और जितना जल्दी हो सके इन मुगलों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। महाराणा प्रताप बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस धन से पुनः बलवान योद्धाओं का उनको एकत्रित किया, एक सेना बनाई और मुगलों को मुंह तोड़ जवाब देते रहे और बहुत समय तक उनसे लड़े। अंत तो गत्वा तीव्र कर दिया उन्होंने अपना युद्ध। महाराणा प्रताप ने मुगलों से कई बार युद्ध किया, अंत में अपने राष्ट्र देवता के लिए सर्वोच्च बलिदान, अपने प्राणों को राष्ट्र के चरणों में समर्पित कर दिया और अपने देश के लिए दुश्मनों के आगे झुके नहीं, अपितु अपने प्राण ही भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिए। ऐसे महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर अगर प्रत्येक माँ की कोख से एक भी हो जाए तो मेरे भारत को फिर किसी और का भय नहीं सताएगा, बल्कि चीनी और मीनी और पाकी और ये सब अपने अपने साइड में मुंह छिपाकर। हालांकि अभी भी भारत माताएं शूरवीर जन्म में कोई कसर नहीं छोड़ती। पूरे विश्व में जो चीन अपने आप को बहुत तानाशाह समझता है, भारत माता के सैनिकों ने उन मुंह तोड़ जवाब देकर उन छोटी आंख वालों को उन्हें उनके देश में भागने के लिए विवश कर दिया, रोने के लिए विवश कर दिया। ये भारत माता के वीर सपूतों की कहानी आज भी हम सब जानते हैं।